कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक नई चीज लेकर, एक नया कंसेप्ट लेकर आ गया। दोस्तों, हम आजकल जनरल एंट्रेंस का चैप्टर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डिस्कस करके, लॉजिक समझ के कर रहे होंगे। बेटे, मैंने 4 लेक्चर्स ले लिए जनरल एंट्रीज के और बेटे 28 लेक्चर लिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। बेटे, अगर आप ईमानदारी से कंसेप्ट को समझना चाहो तो वो लेक्चर्स मोर देन इनफ है, कोई भी बुक से आप काम कर सकते हो। आज मैं लेक्चर नंबर 5 बेटे जनरल एंट्रीज का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसा लेक्चर जो आपको, आपके लिए बड़ा जबरदस्त प्रॉफिटेबल होने वाला है। लेकिन तभी होगा जब आप रजिस्टर ओपन करेंगे, बुक को खोलेंगे, मैं जो बातें कहूंगा उसको सुनेंगे और जो लिखा है उसको लिखेंगे, तभी सब काम होते हैं। बेटे, खाली सुनने से कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, बिल्कुल कमर सीधी रखें जैसे बेटे इस बच्चे ने रखी हुई है। आज का लेक्चर नंबर 5 है बेटे। बेटे 5वां लेक्चर है, देख लीजिए किस तरह से समय बीतता जाता है और हम आगे चलते रहते हैं। बेटे 5th लेक्चर है और मैंने फिर अपनी बात रखी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। हमें खुश रहना है, हमें जॉली नेचर का बनना है, हमें चेयरफुल रहना है, छोटी छोटी बातों को मन में नहीं रखना। आइए, भूपेश आनंद आज आपको एक बात कहने वाला। बेटे, मैंने ग्रेट मॉर्निंग तो लिखी थी लेक्चर नंबर 5 में और ये लिखा आपने बचपन में ना, एक कहावत सुनी थी अपने टीचर से, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन बोथ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बेटे, जब आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आप हेल्दी बनते हैं, वेल्दी पैसा आ जाता है और थोड़ा समझदार बनते हैं, बेटा वाइज बन जाते हैं। आप प्लीज अपना समय रात को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, चिट चैट में मत लगाइए। बेटे, अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वही लाइफ में आगे सक्सेसफुल बनने वाला है। तो आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। बेटे, सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना है, इस बात को ध्यान रख लीजिए आप। आइए, मैं इन्हीं बातों के साथ, इस विचार के साथ आपके सामने भगवान को हाजिर नाजिर रखकर लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट कर रहा हूं, श्री गणेश कर रहा हूं। बड़ी मेहनत की है बेटे मैंने इस लेक्चर नंबर 5 को प्रिपेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए। बेटे, इतनी हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई कि आपको लगेगा यार ये टीचर है या क्या है। बेटे, मुझे खुशी तभी मिलनी है जब आप ध्यान से सुनोगे और सभी चीजों को साथ साथ लिखोगे। तो बेटे लेक्चर नंबर 5 आइए बेटे, रजिस्टर खोल लीजिए। बेटे लेक्चर 5 में झंडे गाड़ देने हैं, हमने झंडे गाड़ने हैं। बेटे, मैंने आपको एक बात ये समझाई थी जब मैंने लेक्चर 1, 2, 3, 4 किए थे या 1, 2, 3 में, कि भाई जनरल एंट्रीज अगर आप किताबों में देखें तो इसका मीनिंग क्या है। बेटे, हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसको हमने अपने लॉजिक से किया, लेन देन के लॉजिक से, 4 ट्रांजेक्शन 4 सिचुएशन डिस्कस की। तो सबसे पहला काम, आपको आता है तब भी, नहीं आता तब भी, बेटे जनरल का मीनिंग लिखेंगे। प्लीज सभी बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल एंट्रीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ जनरल बुक, व्हाई वी राइट डाउन इन अ जनरल बुक, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। बेटे, बड़ा ही प्यारा सा मीनिंग मैंने लिखा है, जनरल इज अ प्राइमरी बुक। बेटे, प्राइमरी सबसे स्टार्टिंग की, इनिशियल पहले, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। बेटे, ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है, इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। बेटे, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो पहले हुई है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में हुई है उसको बाद में लिखेंगे, जो January 1 को हुई है January 1 में पहले आएगी, जो January 2 में हुई है वो 2 में लिखेंगे, और इवन January 1 में जो सुबह 10 बजे हुई वो पहले आएगी, 11 बजे हुई वो बाद में आएगी, 1 बजे हो रही है बाद में आएगी, भले वो January 1 है। इसको बोलते हैं बेटे क्रोनोलॉजिकल मैनर। दोबारा से देखते हैं बेटे, जनरल इज अ प्राइमरी बुक, इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। बेटे, बड़ी बड़ी इनिशियल बुक ऑफ अकाउंट है, इन विच, बेटे ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं,
मैंने लाखों बार बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, एक ऐसा इवेंट जिससे कैपिटल लायबिलिटीज और एसेट्स में बदलाव आ जाए, जिसमें लेन देन की बातें हो, जिसमें हम कुछ ले रहे हो और कुछ दे रहे हो, बेटे उसका नाम है, उसका नाम है बेटे, बेटे उसका नाम है ट्रांजैक्शन। सो जनरल इज अ बुक इन विच वी डू प्राइमरी बुकिंग रिकॉर्डिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटे जनरल का मीनिंग मैंने बताया। मैंने फिर एक बात आपको बताई थी कि आपकी किताबों में दो अप्रोचेस दी हुई है, एनसीईआर किताबों में आपकी स्टडी में दो अप्रोचेस दी हुई है बेटे, एक का नाम है अमेरिकन अप्रोच और एक का नाम है यूरोपियन अप्रोच। बेटे आप मानिए आपको ये बिना दोनों अप्रोचेस के भी काम चल जाना है। मैंने जो आपको लॉजिक बताया था लास्ट लेक्चर नंबर 4 में और एक जो पहला क्वेश्चन कराया था वो बेटे भूपेश आनंद के लॉजिक से काम हुआ था, लेन देन और चार सिचुएशन हमने डिस्कस की थी। बेटे बड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अगर आप उन लेन देन की बातों को समझ लेंगे। और बेटे बेटे चार सिचुएशन बताई थी, थिंग्स सर्विसेस प्रॉमिस गुड लक बैड लक। मैं समझता हूँ बड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाने हैं लेकिन बेटे क्योंकि बुक में दिया हुआ है आपको दो मेथड्स, तो मैं आज के लेक्चर में आपको इसमें से एक दो अप्रोचेस कराने वाला हूँ। मैं आज के लेक्चर में अमेरिकन अप्रोच कराऊंगा। तो प्लीज एक बात पॉइंट नंबर सेकंड में पहले जरूर लिख लें, इन बुक्स प्लीज लिखेंगे देयर आर टू अप्रोचेस। बेटे अप्रोचेस की स्पेलिंग गलत लिखे, मैं एस लगाऊंगा यहाँ पर बेटे, एस approaches, approaches, there are two approaches or methods. बेटे दो तरीके जो किताबों में लिखे हैं बेटे जनरल एंट्रेंस पास करने के, तो जो रट्टाफिकेशन करते हैं वो दोनों तरीके फॉलो करते हैं। बेटे आपको पेपर में जो भी करना है जनरल एंट्रेंस पास करनी है और जनरल एंट्रेंस तो बिल्कुल सेम आएंगी, चाहे आप अमेरिकन अप्रोच लगाएं, चाहे आप यूरोपियन अप्रोच लगाएं, या चाहे आप भूपेश आनंद की सिंपल इंडियन अप्रोच लगाएं। बेटे मैं आपको यही कहने जा रहा हूं एग्जामिनर को क्या पता कि आपने क्या सोच के एंट्रेंस लिखी है। बेटे इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है दोबारा करूंगा। सर दोबारा करेंगे? हाँ बेटे मैंने लास्ट क्लास में उसको अपनी अप्रोच से इंडियन अप्रोच से किया, आज मैं इसको अमेरिकन अप्रोच से करूंगा और ये बात प्रूव कर दूंगा कि जनरल एंट्रेंस बिल्कुल वैसी ही होने वाली है, चाहे आप अमेरिकन अप्रोच लगाएं, चाहे यूरोपियन लगाएं, या चाहे भूपेश आनंद की अप्रोच लगाएं। क्यों? क्योंकि बेटे लॉजिक तो सेम है। तो इसलिए आप भले सोचे मेरे से फिर भी बेटे आंसर वही आने वाला है, लेकिन बेटे मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन अप्रोच का लॉजिक है क्या। तो बेटे सेकेंड पॉइंट लिखें, इन बुक्स देयर आर टू अप्रोचेस मेथड्स व्हिच कैन बी फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग the journal entries, one is the American approach and second is European approach. बेटे मैं आज American approach करके दिखाऊंगा। American approach का वैसे दूसरा नाम है accounting equation approach। देखिए लिखा हुआ है, please आप सब लिखें, balance sheet equation approach। बेटे accounting equation वही वाली जिसके मैंने 28 lecture दिए, बेटे वही capital plus liabilities equal to assets। बेटे याद है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, मैंने बताया था कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज तीन तरह की कौन सी होती हैं, एसेट्स कौन से होते हैं। मैं फिर बताऊंगा अगर आपने मान लो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नहीं किया तो मैं बेटे फिर भी बताऊंगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप बस लिखें पहले बेटे भूपेश आनंद लॉजिकल अप्रोच क्या थी जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी लेक्चर 4 में, और उसके ऊपर पहला क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था लेन और देन से काम चल जाएगा। बेटे चार सिचुएशंस, थिंग्स की, सर्विसेज की, प्रॉमिस की और गुड लक की और बैड लक की, गुड लक की और बैड लक की। बेटे चार सिचुएशंस लेन देन आप समझ जाना कि आप आराम से जनरल एंट्रेंस पास कर सकते हो। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 में पहले क्वेश्चन को इसी अप्रोच से किया था। आइए जी मैं भूपेश आनंद ऐलान करता हूँ आज पॉइंट नंबर 4th से कि आप लिख रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं, आप ढीले ढीले नहीं बैठे, आपका मोबाइल फोन बंद है, मैं ये मान रहा हूं, तभी मैं आज आपको नई अप्रोच के बारे में बता रहा हूं। बेटे नई अप्रोच है अट्रैक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का अट्रैक्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जनरल बुक। बेटे हम जनरल बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
बेटे जनरल क्या होता बताया इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटे हम अमेरिकन अप्रोच की बात करेंगे कि अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से जनरल में कैसे एंट्री होती है। बेटे अमेरिकन अप्रोच का दूसरा नाम मैंने से बताया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, पता ही है आपको बेटे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो है बेटे ये सोर्सेज होते हैं, पैसे कहां से आए, पैसे कहां से आए, और बेटे पैसे कहां लगे, पैसे कहां गए। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, आप पैसे कैपिटल से लेकर आते हो और आप उधार लेते हो, लायबिलिटी से लेते हो और कैपिटल से लेते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बताया हुआ। और यूज कहां होते हैं? सोर्स यूजेस में, एसेट्स खरीदते हो बेटे, एसेट्स परचेज करते हो। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो बेटे ये हम आज इस इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें है क्या बेटे, कुछ बातों का ध्यान रखना बस, छोटी सी बातें। आपको सब पता है क्योंकि कुछ बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर्स मेरे नहीं देखे, तो इसलिए मैंने ये बातें थोड़ी सी अलग से लिख दी। पॉइंट्स और कंसेप्ट्स टू बी कंसीडर्ड और टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन फॉलोइंग और इन अडॉप्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो बेटे फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट्स स्लैश कंसेप्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड। पॉइंट्स स्लैश कंसेप्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड इन फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इन जनरल बुक। तो सबसे ए पॉइंट तो पहले लिख दीजिए कि बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। आपको पता है, मुझे पता है, आप फिर भी ढीले नहीं बैठे और आप लिख रहे हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे मैंने एसेट्स का एक नेचर बताना है इस पॉइंट नंबर ए में, तो समझ लीजिए नई चीज बताने जा रहा हूं। बेटे एसेट का एक नेचर होता है, जैसे आप हरी मिर्च खाएं तो उसका क्या नेचर है बेटे, तीखी होती है, मिर्च लगती है, आंखों से पानी निकलता है, नाक से धुएं निकलते हैं, उसका नेचर ही ऐसा है। जैसे सांप है बेटे, सांप का नेचर कैसा है, हमेशा हमेशा काटने को दौड़ता है। तो बेटे बेटे हर व्यक्ति का नेचर होता है, हर चीज का नेचर है। बर्फी खाते हैं आप काजू वाली बेटे, काजू कटली बेटे, उसका नेचर क्या है, मीठा नेचर है। तो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उसका सबका नेचर है। तो इसी तरह से बेटे एसेट्स का भी एक नेचर है, हमें उस नेचर को ध्यान रखना है। एज पर अमेरिकन अप्रोच, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, आई शुड नो व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इट मींस व्हाट इज द नेचर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट हैंड साइड। इन माय राइट हैंड साइड आई हैव एसेट्स एंड एसेट्स हैव ऑलवेज द डेबिट नेचर। बेटे एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंस का होता है, बेटे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, बेटे उनका नेचर हमेशा डेबिट होता है। और इसका मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज का बेटे हमें डबल इफेक्ट लेना है। जब इसका नेचर डेबिट होता है तो बेटे कैपिटल और लायबिलिटीज का डेबिट नेचर हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। कैपिटल और लायबिलिटीज का बैलेंस बेटे क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट नेचर की होती है। आप बात समझ रहे हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आर क्रेडिट इन नेचर, क्रेडिट बैलेंस के नेचर की होती है, और एसेट्स डेबिट बैलेंस इन नेचर का होता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो बेटे ए पॉइंट लिखें, एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स विल हैव डेबिट बैलेंस। ये सारी चीजें डेबिट बैलेंस की होती हैं। जो भी कुछ एसेट्स में आता है उनका नेचर, जैसे फर्नीचर है, जैसे गुड्स है, जैसे कैश है, जैसे बैंक बैलेंस है, जैसे 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 मैं आपसे कहूं लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, गुड्स हैं, बेटे इन सबका नेचर डेबिट बैलेंस का नेचर जैसे होता है। एसेट्स का नेचर जब डेबिट है, मैं कहता हूँ जी बड़े पापा एसेट्स हैं,
छोटे पापा गुड्स वगैरह हैं, तो जब बड़े पापा का नेचर ही ऐसे था, तो बेटे जो उसके छोटे पापा, छोटे छोटे पापा, वो सभी का नेचर डेबिट होता है। तो इस बात का, एक बात का ध्यान रखना है, एसेट्स का नेचर तो पता होना चाहिए बेटे। मैंने कहा जी एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंस का होता है, रटना कुछ है नहीं, लॉजिक समझना। इसका मतलब डबल इफेक्ट का मतलब अगर हम डबल एंट्री इफेक्ट देखें, तो बेटे कैपिटल और लायबिलिटीज का जो नेचर है, कैपिटल और लायबिलिटीज का जो नेचर हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है, क्रेडिट बैलेंस इन नेचर का होगा। क्रेडिट 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 बैलेंस, तो बेटे लिख लो, पहले लिख लो, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो बेटे कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस, बेटे कैपिटल का नेचर क्रेडिट बैलेंस का होगा। ये सारी चीजें क्रेडिट बैलेंस की होती हैं। सर इसका फायदा क्या है? बेटे अभी आ रहे हैं हम, अभी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटे आपको जब पता होगा ना कि नेचर किसका क्या है, तो ऐसे चुटकियों में आप अपनी एंट्रीज पास कर पाओगे। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंस का है, तो अगर एसेट्स बढ़ेंगे, सुनना ध्यान से, अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंस का होता है। अगर एसेट्स कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हम तो क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंस का होता है। बस बेटे ये बात अगर आपको समझ आ गई, जो समझनी क्या है, हमें नेचर समझना है बेटा। नेचर क्या है? नरेंद्र मोदी जी का नेचर क्या है? ट्रंप का नेचर क्या है? उनको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज खराब लगती है? आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी को जब आप मिलने जाएंगे, तो क्या आप उससे पहले उनके नेचर के बारे में नहीं खुलासा करवाएंगे? या आपको पता नहीं होना चाहिए कि उनको कौन से गुलाब अच्छे लगते हैं? उनको पीले गुलाब अच्छे लगते हैं, उनको गेंदे के फूल अच्छे लगते हैं, उनको मोगरा अच्छा लगता है, उनको चमेली अच्छी लगती है। तो बेटे कुछ तो लेकर जाएंगे ना, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं तो वो फूल लेकर जाएंगे, तो आपको नेचर पता होना चाहिए ना। तो मैंने कहा जी हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जब मेथड फॉलो करेंगे, तो हमें नेचर पता होना चाहिए कि आरएचएस का नेचर क्या है, LHS का नेचर क्या है, RHS क्या है, एसेट। मैंने कहा जी एसेट का नेचर डेबिट बैलेंस का होना चाहिए, और लायबिलिटीज का और कैपिटल का नेचर क्रेडिट बैलेंस का होता है। इसका मतलब अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, एसेट घटते हैं, कम होते हैं, तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। इसी तरह से बेटे इसका उल्टा ऑपोजिट, लायबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट बैलेंस नेचर का होता है। इसका मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल जब बढ़ेंगी, तो हम क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज और कैपिटल जब कम होंगी तो हम डेबिट करेंगे। तो बेटे वही बात लिखी है, आइए एक बार हम लिख लें, फिर मैं और समझाऊंगा। बेटे डेबिट बैलेंस का मतलब बी पॉइंट में लिख रहे हैं। बेटे मैं पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड, मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स, कुछ लॉजिक्स बता रहा हूं, आपने वो लॉजिक्स का, वो कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है। बेटे एक कंसेप्ट मैंने बताया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। फिर मैंने कहा एसेट्स का नेचर ये होता है, कैपिटल और लायबिलिटी का नेचर ये होता है। फिर आपको मैंने कहा बी पॉइंट लिखिए, डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट का नेचर डेबिट होता है, सिंपल सी बात। सो व्हेनेवर डेबिट बैलेंस नेचर आइटम्स, मतलब व्हेनेवर एसेट इंक्रीजेस, सी पॉइंट। बेटे छोले भटूरे खाए तो उसका नेचर अलग है ना, मसाला डोसा खाए तो नेचर अलग है ना, हर चीज का नेचर अलग है ना। तो बेटे एसेट का नेचर डेबिट बैलेंस का होता है। इसका मतलब व्हेन एसेट इंक्रीजेस, व्हेन डेबिट बैलेंस आइटम इंक्रीजेस, then we debit it, and whenever debit balance nature item decreases, तो हम क्या करते हैं बेटे, credit करते हैं। तो बड़ा सिंपल है बेटे, बेटे एसेट के लिए समझ आ गया। उसके बाद मैं तो कहता हूं आप बाकी कुछ खुद गाथाएं लिख दोगे, अब किताबें लिख दोगे, जर्नल एंट्रीज तो बेटे बहुत पीछे रह गए, आप बड़ी बड़ी बुक्स लिखने वाले हो। बेटे सी पॉइंट लिख लो, क्रेडिट बैलेंस का मतलब
क्रेडिट बैलेंस मींस, या उसका मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है. कैपिटल और लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है. कैपिटल और लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है. इसका मतलब व्हेनेवर क्रेडिट बैलेंस नेचर आइटम इंक्रीजेस, व्हेनेवर क्रेडिट बैलेंस नेचर आइटम इंक्रीजेस, व्हेनेवर क्रेडिट बैलेंस नेचर आइटम इंक्रीजेस, तो बेटे उसका नेचर ही क्रेडिट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. Whenever credit balance nature item decreases, अगर credit balance nature की item decrease होती हैं, तो बेटे debit करेंगे, क्योंकि हमें nature के बारे में पता चल गया है. आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपको एक बात बड़ी सिंपल सी कहने जा रहा हूँ. बस ये दो तीन बातें अगर आपने समझ ली हो, तो बेटे मैं पहले क्वेश्चन को दोबारा से करने वाला हूँ. सारी बातें मैं भी समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत ले. अगर आपको अभी तक